नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। और आज है 14 अक्टूबर 2019, तो आज हम चर्चा करेंगे 14 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कल वाले वीडियो में हमने आपसे पूछा था उसका आंसर क्या होगा, तो वह क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था दोस्तों? क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये हर वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया। तो ये था दोस्तों कल वाली वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार दोस्तों आज के वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कलाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का स्थान है, उस घंटे के स्थान को भी आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, और करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, आजकल सभी एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वह देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सरस आजीविका मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? तो हाल ही में दोस्तों सरस आजीविका मेला शुरू हुआ है, और वह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो गया। तो नई दिल्ली में कहाँ पर शुरू हुआ है इसके बारे में जानते हैं। तो सरस आजीविका मेला है ये दोस्तों नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास में शुरू हुआ है। तो इंडिया गेट लॉन में सरस आजीविका मेला शुरू हो गया है, और इसका आयोजन दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की पहल के तहत इसका आयोजन किया गया है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों वह है DNRLM के समर्थन से गठित ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को एक मंच प्रदान करना है, जिसके अंतर्गत उन्हें अपने कौशल दिखाने, अपने उत्पादों को बेचने और थोक खरीदारों के साथ संबंध बनाने का अवसर प्राप्त होता है। अब देखते हैं दोस्तों इसके बारे में और जानकारी। तो मेला स्थल पर दोस्तों कितने स्टॉल लगे हैं? 200 से अधिक स्टॉल लगे हुए हैं, दुकानें लगी हुई हैं, जहां 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 500 ग्रामीण SHG जो क्राफ्ट वुमेन है, हस्तशिल्प, हथकरघा, प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएगी, और लॉन में क्षेत्रीय व्यंजनों का फूड कोर्ट भी बनाया गया है। तो ये जानकारी दोस्तों पहले क्वेश्चन के बारे में हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों वह है, भारत और किस देश की नौसेनाओं के समन्वित गश्ती का दूसरा संस्करण बंगाल की उत्तरी खाड़ी में शुरू हो गया है? तो ये दोस्तों बांग्लादेश में हो गया है। तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो गया। अब इसके बारे में जानते हैं। ये फोटो में दोस्तों आपको जो दिखाई दे रहा है वह एक जहाज का फोटो है, जो नौसेनाओं के द्वारा चलाया जाता है, जिसका नाम INS रणविजय है। इसके बारे में देखते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के नौसेनाओं के समन्वित गश्ती का दूसरा संस्करण दोस्तों बंगाल के उत्तरी खाड़ी में शुरू हो गया है, और गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS रणविजय और सहजता से निर्मित मिसाइल कार्वेट INS कुथर बांग्लादेश से PNS अली हैदर और BNS सादी नौता के साथ अभ्यास में भाग लेंगे। दोस्तों भारत बांग्लादेश कॉरपेट की शुरुआत 2018 में हुई थी ये दोस्तों, इसके बारे में बता दूं अभी 2019 में ये उसका दूसरा संस्करण शुरू हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के करंट अफेयर्स का जो तीसरा क्वेश्चन है वह क्या है वह देखते हैं। तो इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर का उद्घाटन भी नई दिल्ली में किया गया है। तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो गया। फोटो में आपको दोस्तों उद्घाटन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो नई दिल्ली में पहली बार इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर का उद्घाटन हुआ है। दोस्तों यह 3 दिवसीय मेला कोऑपरेटिव उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का एक प्रमुख मंच है, जिससे ग्रामीण और कृषि समृद्धि बढ़ेगी। और इस मेले में 35 देशों से संगठन, 150 से अधिक भारतीय सहकारी समितियां भाग ले रही हैं। दोस्तों इस मेले में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सहकारी उद्यम सहायता और नवाचार योजना 2019 युवा सहकार भी लॉन्च करेंगे। तो ये जानकारी होगी इस क्वेश्चन के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो वह है, ऑस्ट्रेलियाई खेल के सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान द डॉन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई जो खेल का सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है द डॉन है, इस द डॉन से एसले बार्टी को सम्मानित किया गया है। तो एसले बार्टी इसका राइट आंसर हो गया। अब एसले बार्टी कौन है इनके बारे में जानते हैं। ये फोटो में दोस्तों आपको सम्मान के साथ में एसले बार्टी
दिखाई दे रही हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों एस्ले बार्टी को वार्षिक स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम में ऑस्ट्रेलिया खेल के सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान द डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों वह भी कैथी फ्रीमैन और इयान थोरेप की तरह इस प्रतिष्ठित अवार्ड की विजेता बन गई हैं। इनसे पहले जो कैथी फ्रीमैन हैं और इयान थोरेप हैं, इन्हें ये पुरस्कार मिल चुका है। दोस्तों बार्टी हैं ये 46 साल में फ्रेंच ओपन जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिलाएं थी और अब वह 1973 में मार्गरेट कोर्ट के बाद नंबर वन रैंकिंग के साथ सीजन समाप्त करने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला बनना चाहती हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भारत चीन के बीच कौन सा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। तो भारत और चीन के बीच में फिलहाल दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है, यानी जो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है वह भारत दौरे पर आए हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में ये उनकी दूसरी अनौपचारिक वार्ता होगी और अनौपचारिक शिखर सम्मेलन इसे हमें कह सकते हैं। तो इसका दूसरा इसका राइट आंसर हो गया। ये फोटो में आपको दोस्तों कर्नाटक के मल्लपुरम मंदिर के पास में फोटो आपको दिखाई दे रही है, जहाँ पर हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है वह आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इनके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो तमिलनाडु के मामल्लपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दूसरा भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। दोस्तों पहला शिखर सम्मेलन है ये अप्रैल 2018 में वुहान में डोकलाम संकट के दौरान हुआ था और अभी यह दूसरा सम्मेलन हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह क्या है, वह है बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने द फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2019 जारी की है, जिसमें सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं। तो बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के द्वारा जारी सूची में हाल ही में दोस्तों मुकेश अंबानी हैं ये पहले स्थान पर रहे हैं और दूसरे स्थान पर गौतम अडानी रहे हैं। तो जो भी टॉप 5 रहे उनके बारे में भी हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुकेश अंबानी। अब टॉप 5 जो रहे उनको देख लेते हैं। ये फोटो में दोस्तों आपको फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 5 सबसे अमीर भारतीय आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पहले स्थान पर मुकेश अंबानी रहे हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, दूसरे पर गौतम अडानी अडानी ग्रुप के मालिक, हिंदुजा ब्रदर्स हमें तीसरे नंबर पर रहे हैं हिंदुजा ग्रुप के मालिक हैं ये, और इसके बाद में जो पलोनजी मिस्त्री हैं टाटा ग्रुप के जो सीईओ हैं वह दोस्तों चौथे नंबर पर, और पांचवें नंबर पर उदय कोटक जो कोटिया ग्रुप के मालिक हैं, ये दोस्तों पांचों क्रम से 5 अमीरों की लिस्ट में ऊपर ही रहे हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने द फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2019 जारी की है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी $51.4 बिलियन की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी दोस्तों 12 साल से लगातार भारत के सबसे अमीर शख्स बनते आ रहे हैं। वहीं उद्योगपति गौतम अडानी $15.7 बिलियन की संपत्ति के साथ में दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। मैगजीन का कहना है कि दोस्तों यह वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे चुनौतीपूर्ण वर्ष था। दोस्तों इसमें पिछली बार जो दूसरे नंबर पर रहे थे अजीम प्रेम जी, उनका स्थान बहुत ही नीचे चला गया है, वह शायद 17वें स्थान पर इसमें लिस्ट में आ गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रतिष्ठित एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जो प्रतिष्ठित एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार है इसके लिए दोस्तों IFS रमेश पांडे को चुना गया है। तो रमेश पांडे इसका राइट आंसर हो गया। ये फोटो में आपको रमेश पांडे दिखाई दे रहे हैं। तो इनके बारे में देखें दोस्तों, तो जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है यानी भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रमेश पांडे को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रतिष्ठित एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोस्तों इन्हें ये पुरस्कार जो है वह शिकारियों के खिलाफ जांच व खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए जाना दिया जाना है। पांडे को दोस्तों बैंकॉक में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन केंद्र में 13 नवंबर को पुरस्कृत किया जाएगा और चयन समिति ने पर्यावरण संबंधी सीमा पार अपराध से निपटने में पांडे की प्रशंसा की है। दोस्तों रमेश पांडे को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार का जो उद्देश्य है वह पर्यावरण संबंधी सीमा पार अपराध को रोकने में उल्लेखनीय योगदान देने वाले संगठनों और लोगों को सार्वजनिक तौर पर मान्यता देना है। तो ये जानकारी होगी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह दोस्तों पहले भारत खेल शिखर सम्मेलन 2019 का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो पहले भारत खेल शिखर सम्मेलन 2019 का जो उद्घाटन किया गया है यह नई दिल्ली में जो युवा खेल मामलों के मंत्री किरण रिजिजू है उनके द्वारा किया गया। फोटो में आपको किरण रिजिजू दिखाई दे रहे हैं। तो
इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों, युवा एवं खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में पहले भारत खेल शिखर सम्मेलन 2019 का उद्घाटन किया है। उन्होंने इस कार्यक्रम में भारत को एक सपोर्टिंग पावर हाउस बनाने के लिए एक राष्ट्रीय खेल संस्कृति को प्रेरित करने पर भी जोर दिया है। दोस्तों, उन्होंने यह भी बताया है कि उपरोक्त लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ की सहायता से एक फिट इंडिया मिशन कार्यालय स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो हम लगातार वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जो कोमोरोस द्वीप देश है कोमोरोस, उसके साथ में एक समझौता ज्ञापन या एक MOU साइन किया है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये फोटो में दोस्तों आपको कोमोरोस के अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आप देख पा रहे हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो अपने देश के हैं एम वेंकैया नायडू, उन्होंने द्वीप देश कोमोरोस के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, समझौता ज्ञापन में क्या है? इस ज्ञापन के अनुसार भारत ऊर्जा और समुद्री रक्षा सहयोग के लिए कोमोरोस को $60 मिलियन से अधिक क्रेडिट लाइन का विस्तार करेगा। इस क्रेडिट लाइन में मोरोनी में 18 मेगावाट के पावर प्लांट की स्थापना के लिए $41.6 मिलियन और हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट्स की खरीद के लिए $20 मिलियन शामिल हैं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति को मोरानी में कोमोरोस के अध्यक्ष अजाली असोमानी द्वारा कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से भी सम्मानित किया गया है। ये जानकारी दोस्तों हो गई इस क्वेश्चन के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह आज का अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपदा न्यूनीकरण के लिए दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है यह हर वर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इस वर्ष भी 13 अक्टूबर को आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, ये फोटो में आपको इसका पोस्टर आप देख पा रहे हैं। तो यह दिन दोस्तों दुनिया भर के लिए जो लोग हैं और समुदाय हैं उनको आपदाओं के जोखिम को कम करने एवं उन खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के संदर्भ में मनाया जाता है। यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को भी बढ़ावा देता है। दोस्तों, 2019 के लिए थीम जो रिड्यूस डिजास्टर डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक सर्विस है। दोस्तों, 2019 का जो संस्करण है सेंदई सेवन अभियान है, इसके दोस्तों हिस्से के रूप में जाहिर किया गया है और सेंदई फ्रेमवर्क के 7 लक्ष्यों पर केंद्रित है। इस वर्ष सेंदई फ्रेमवर्क के लक्ष्य पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं दोस्तों 2030 तक उनकी जो तैनकता है को विकसित करने के सहित स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और बुनियादी सेवाओं के विघटन के लिए आपदा की क्षति को काफ़ी हद तक कम करना इसका लक्ष्य रखा गया है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2019 किन्हें दिया जाएगा? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2019 जो दिया जाएगा, या दोस्तों यदि आपने हमारा कल वाला वीडियो देखा तो आपका क्वेश्चन जरूर राइट होगा। तो हमारे रोज के वीडियो आप देखते रहे जिससे आपका ये क्वेश्चन भी सही होता रहे। तो इसके ऑप्शन है, अभी अहमद अली, कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई या कोई नहीं। तो इन चारों में से जो भी राइट आंसर होगा वह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कलाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का साइन है उस घंटे के साइन को भी आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।